कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आपका नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और शाम का वक्त है और सोच रहे हैं कि खाने में क्या बनाया जाए, तो शेरी भी मेरे पास यहीं बैठी हुई है। खासी आई शेरी, खासी आई। तो जी गले में थोड़ी सी खराश हो रही है, तो खांसी आ रही है, तो शेरी खस रही है। मैं खांस रही हूँ तो मेरे को भी तो खांसी, गले में दर्द हो रहा है, मैं गर्म सी हो रही, ठंड भी लग रही है। ये लड़की बारिश में नहाई है ना, इसलिए इसको दोबारा हो गया ना, तो फिर इसको पिटाई होगी। अब की बार दवाई नहीं दिलाऊंगी, अब की बार पिटाई करूंगी। देखिए बारिश आ रही है और ये बारिश में बार बार नहा नहा के आ रहे हैं, मेरे को पता भी नहीं चल रहा है ये कब ऊपर जा रहे हैं, और जल्दी से नहा के आ जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज कपड़े बहुत सारे धोए हैं, तो यहीं पर कपड़े डाल दिए हैं। आधे तो कपड़े मैंने यहाँ कुर्सी पर रख दिए हैं, ये अभी सूखे नहीं है, और बाकी मैंने यहाँ फोल्डिंग पे डाल दिए हैं। और कपड़े तो हम नीचे ही सुखाते हैं, और छत पे तो सुखाने की अभी जगह है ही नहीं। जब बाद में ऊपर बाथरूम बन जाएगा, तो जो हमारी नीचे मशीन रखी है उसको हम ऊपर ही रख देंगे, तो फिर कपड़े धोने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो चलिए अब मैं आ जाती हूँ कमरे में, क्योंकि वो गए हुए हैं सब्ज़ी लेने के लिए, और अभी जब वो आ जाएंगे तो उनसे भी मिलवाती हूँ आपको। दोस्तों देखिए, जब बारिश में नहाए थे ये दोनों, जब इनको बहुत गर्मी लग रही थी, और अब इनको इतनी ठंड लग रही है कि कंबल ओढ़ ओढ़ के लेट गए हैं ये दोनों। अब क्या कहना चाहते हो बारिश में नहाने के बाद, हैं? मजा आया बारिश में नहाने में? और अब क्या लग रहा है? कुछ अब कुछ नहीं, कंबल क्यों ओढ़ा है? अब कंबल ओढ़ रखा है दोनों ने, और लेट के देख रहे हैं टीवी। और देखिए बारिश हो रही है, तो थोड़ा सा ठंडा तो हो ही गया है, ठंड हो गई है। कौन गर्म हो रहा है? गर्म नहीं हो रहा, ऐसे ही हो रहा है, कंबल में लेटा हुआ है ना, इसलिए ऐसे ही हो रहा है। तो अब मेरे बच्चे बताएंगे कि खाने में क्या खाना पसंद करेंगे। खाना पूछा है मैंने, चटोरे बच्चों, आलू का सब्जी, आलू की सब्जी बनाओ। तो अभी देखते हैं, अभी इसके पापा भी आ रहे हैं, वो मैं देखती हूँ क्या लेके आएंगे। मैगी खानी है, मैगी नहीं मिलती है रात में, रात में खाना मिलता है। और क्या आपके बच्चे भी ऐसे ही करते हैं, खाने के टाइम पे मैगी मांगते हैं? ये बच्चे ऐसे करते हैं, लेकिन मैं इनको रात को खाने के टाइम पे मैगी देती नहीं हूँ। बस आधे घंटे बाद खाने का टाइम हो जाएगा, नहीं हम नहीं खिलाते हैं मैगी, हम खाना देते हैं डेढ़ घंटे बाद। चलिए दोस्तों, शैरी और मैं यहाँ बैठे हुए हैं, और शैरी कह रही है मम्मी मेरे को एक गाना सुनाना है अपनी नानी के लिए। तो इसकी नानी वीडियो देखेगी तो इसका गाना सुन लेगी। तो पहले मैं कह रही हूँ, पहले मेरे को टू का पहाड़ा सुनाओ। टू का पहाड़ा, टू का टेबल, टेबल, ठीक है, बढ़िया। अब नानी को, नानी के लिए एक गाना सुना दो। नानी तेरी हसी आ रही है, नानी खुश हो जाएगी शायरी की देख के। नानी तेरी मोली को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। पूरा सुना? आगे नहीं आता, मैंने बचपन में भी आधा ही सुना, बचपन में भी नानी को आधा ही सुनाया था, अब भी नानी को आधा ही सुनाएगी, अब तो पूरा सीख ले। हाँ मैं पूरा बना। नानी, अच्छी नानी, प्यारी नानी, ठीक, अच्छी नानी, प्यारी नानी, रूसा रूसी छोड़ दो, जल्दी से एक पैसा दे दो, तू पंजों से छोड़ दो। नानी तेरी मोरी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था खाले चोर ले गए। शेरी काले को कह रही है खाले चोर ले गए। तो देखिए इसने अपनी नानी के लिए सुना दिया है, नानी के लिए गाना, अभी इसकी नानी वीडियो देखेगी तो ठीक है, तो इसकी नानी फ़ोन कर देगी फिर इसको। तो चलिए दोस्तों, अब मैं चलती हूँ किचन में, और अब शायरी करेगी पढ़ाई। और दोस्तों टाइम हो रहा है 8:30, और मैं ऑफिस से आया था, आज मैं भीग भी गया था, तो भीग के लग रहा था फिर मेरे को बुखार होगा, कोई थकान भी हो गई है। और अब चलते हैं शायरी के पास, शायरी बना रही है पिक्चर, ड्राइंग कर रही है, बड़ी मम्मी के पास बैठी हुई है, चलो दिखाता हूँ वो क्या कर रही है। और दोस्तों शायरी कर रही है ड्राइंग, यहाँ इसने बनाया है, कौन कौन बनाया शायरी है? बड़ी मम्मी ने। ये बड़ी मम्मी है और ये शायरी है, अपनी अपनी शक्ल दिखाइयो, और ये मम्मी की शक्ल बनाई है, मम्मी देख रहे कैसे बनाई रहे, ले देख ले क्या बोल रही है। रावण को कड़ा करते
मम्मी को मम्मी को है क्या कहती है, ले ऐसे बनाते हैं है? ऐसे ड्राइंग होती है, आपने फूल पहन रखा है, कान में फूल वाली पहन रखी है, इधर वो दाना है वो भी पहले इधर बना दिया, दाना भी बना दे। और देखो अभी इसने मम्मी की फोटो बनाई थी, अब दिखा रही अपनी मम्मी को, अपनी बड़ी मम्मी की बनाई। और दोस्तों खाने में मैं बना रही हूँ आज मलके की दाल और रोटी बना रही हूँ, और बस इसमें सीटी लग रही है कुकर में, और बस मेरी दाल बनने वाली है। और अभी दोपहर को मैंने जब कपड़े धोए थे तो मैंने उसमें जुराबे वहीं छोड़ दी थी, और ये मेरे से पूछने लगे कि जुराबे कहाँ है, तो तब मेरे को याद आया, फिर इन्होंने मशीन में से जुराबे निकाल के यहाँ सोफे पर डाल दिए, और ये सूख जाएंगे यहीं पर, सुबह तक सूख जाएंगे यहीं। और बाकी कपड़े जो हैं ये भी सूख गए हैं, बस अब मैं फोल्डिंग हटा लेती हूँ यहाँ से, और ये कपड़े रख देती हूँ मैं कुर्सी हो गई। तो बस अब खाना बनने वाला है, फिर उसके बाद मैं डालूँगी रोटी। तो चलिए दोस्तों ये फोल्डिंग हटा देते हैं यहाँ से, और देखिए कपड़े यहीं सूख गए हैं, और ये मैंने सुबह धो के जब कपड़े धोए थे मैंने यहीं डाल दिए सब के। और अब मैं कर देती हूँ गैस बंद, और एक सीटी और लगाऊंगी इसमें, फिर बस दाल बन जाएगी, बस रोटी डाल देती हूँ। और देखिए दोस्तों ये जो मेरी स्टिक है इससे मैं वीडियो बनाती हूँ, तो ये भी थोड़ी सी टूट गई है, तो मुझे लग रहा है ये भी नहीं लेनी पड़ेगी। और भाई यहाँ चल रहा है शरीर का खेल, ये कब से खेल रही है, और इसको बार बार गले में दर्द हो रहा है, ये बार बार क्यों होता है शायद, क्यों होता है, बारिश में होता है। अभी अभी खेल रही है गिर गया। और चलो दिखाते हैं किचन में बन रहा है खाना भी, और यहाँ बन रही है रोटियाँ और सब्जी में क्या, आज हमने बनाई है दाल रोटी, खाओ प्रभु के गुनगाओ, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुनगाओ। चलो भाई खाना बनना है, मिलते हैं आपसे खाना खाने के बाद। देखिए दोस्तों रात के बज रहे 10:15, और मौसम कैसा हो रहा है, और बारिश आ रही है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो मैं यहीं से देख रही हूँ, और देखिए आपको भी दिखाती हूँ, बारिश भी तेज ही हो रही है, ये देखिए पूरी गली गली हो रही है, और बारिश हो रही है तेज, और हवा भी ठंडी चल रही है, और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, सुबह से ही बारिश हो रही है, थोड़ी थोड़ी देर में बारिश हो रही है, और हवा जो चल रही है ठंडी हवा लग रही है देखिए, और लग रहा है पूरी रात बरसेगा। तो दोस्तों रात का डिनर सबने कर लिया है, और अब मैं आ गई हूँ अपनी किचन में बर्तन धोने के लिए, और बर्तन धोने के बाद मैं करूँगी बिस्तर। और देखिए बारिश इतनी तेज़ हो रही है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, और 2-3 दिन से तो लगातार बारिश हो रही है, और झड़ लगा हुआ है, सुबह से ही बारिश हो रही है, बंद होने का नाम नहीं ले रही है, और जो हमारा काम चल रहा है वो भी हमने अभी रुकवा दिया है बारिश की वजह से, और बारिश की वजह से कहीं बाहर भी नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि सारे में पानी भरा हुआ है, कीचड़ हो रखी है, और हमारा घर नीचे का है तो और ज़्यादा गंदा हो रखा है, क्योंकि बाहर से चप्पल जूते जो आते हैं तो उस वजह से कीचड़ के तो और ज़्यादा गंदा हो रखा है। पोछा भी मैंने कई बार लगा लिया, लेकिन अब बारिश हो रही है तो अब मैंने पोछा नहीं लगाया क्योंकि कीचड़ के पैर आ रहे हैं, मैंने सोचा अब सुबह में ही सफाई करूँगी। तो चलिए अब रात के बर्तन मैं मांझ लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं करूँगी बिस्तर। और मौसम एकदम ठंडा हो गया है, हमने तो कंबल वगैरह भी निकाल लिए हैं, और पंखा भी चलाने का मन नहीं हो रहा है क्योंकि एकदम घर ठंडा ठंडा सा लग रहा है, तो पंखा भी रात में चलाते हैं तो कम करके ही चला रहे हैं, जैसे पहले फुल पे चला रहे थे, अब लग रहा है मौसम एकदम बदल सा जा रहा है, ठंड सी लगने लगी है अब। तो चलिए दोस्तों अब अपनी वीडियो कर देती हूँ मैं यहीं पर एंड, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और जो लोग हमसे नए जुड़े हुए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अपना सपोर्ट ज़रूर बनाना हमारे साथ। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और अच्छे से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और हमेशा खुश रहिए, और ऐसे ही वीडियो देखते रहिए हमारी, बाय बाय।